The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. All right, namaskar dosto. Stress. Dekhiye, modern world mein, modern environment mein, we are exposed to various alag alag tarike ke stress and stressful conditions. Itne sara stress hai hamari body mein aur hamare mind pe, hamare environment mein, ki stress ke wajah se changes aa jate hain hamare hormones levels pe. That is very very big issue, kyunki aapki body mein hormones ka role bilkul इंजन में पेट्रोल, गाड़ी की इंजन में पेट्रोल और ऑयल के जैसा है. सो ऑयल और इंजन में ये सब चीज़ें होती हैं, तो इंजन सही से चलता है. ज़्यादा तेज़ इंजन या ज़्यादा तेज़ आपके पेट्रोल आएगा तो गाड़ी भी तेज़ चलेगी, एक्सेलरेटर जैसा है. तो हमारे हॉर्मोन्स हमें एक्सेलरेट कर सकते हैं, डी एक्सेलरेट कर सकते हैं, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस कर सकते हैं. और इसमें जो सबसे ज़रूरी हॉर्मोन्स हैं वो है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और यानी बेसिकली आपके एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन. एड्रीनल ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर, देयर इज अ ग्लैंड अबव योर किडनी विच एक्चुअली सिक्रीट्स कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल इज योर मेन ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड. नाउ व्हाट इज दैट, उससे क्या होता है? देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब क्या है कि ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, आपको प्रोटेक्शन के लिए बना है. सो जब भी कोई स्ट्रेस होता है, योर बॉडी डज नॉट नो वेदर इट इज समबडी ट्राइंग टू किल यू, राइट, और जस्ट इट्स की एग्जाम रिजल्ट्स है और आपको पता नहीं आप पास हो गए कि फेल. सो आपकी बॉडी को ये आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, उसको ये पता है कि स्ट्रेस है, राइट. सो आपकी बॉडी क्या करती है, स्ट्रेस से एक ही तरह से ट्रीट करती है. उसे लगता है आपको कोई थ्रेट है, समथिंग इज गोइंग टू किल यू और समथिंग गोइंग टू हार्म यू. सो आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वाले हॉर्मोन्स, जैसे कुछ आपने सुने होंगे, जैसे कि कैटाकोलामीन्स, जो आपके एड्रिनलिन, जो किक मिलती है सलमान खान को, दैट्स दी हार्मोन, द एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, ये कैटाकोलामीन्स हैं. देर इज ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो, एंड ऑल्सो प्रोलैक्टिन एंड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, द कॉर्टिसोल. सो स्ट्रेस से एक्चुअली आपकी बॉडी में स्टीरॉयड प्रोड्यूस होता है. सो भाई, कई लोग बोलेंगे मैं तो स्टीरॉयड के इंजेक्शन लेता हूँ, मुझे तो लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो स्ट्रेस ले लेता हूँ, बट नहीं. सो आप ये देख सकते हो कि किस तरह से स्ट्रेस से आपकी बॉडी ऐसी तैसी होती है इन हॉर्मोन से, राइट. और ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, ये कई तरीके की बीमारी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में तो आपको बचाने के लिए बने हैं. दीज आर मेंट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द वट एवर थिंग इज गोइंग टू हार्म यू, राइट, स्ट्रेसर, उससे बचाने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए माइंड को. लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे स्ट्रेस में ये बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं, जैसे कि आपको साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको ग्रेव्स डिजीज, थायरॉयड प्रॉब्लम आ सकती है, गोनाडल डिसफंक्शन इन आपके टेस्टिकुलर टेस्टिस और जो ओवरीज हैं उनमें डिसफंक्शन हो सकता है, आप मोटे हो सकते हो, बिकॉज ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है उसका काम है, जो कॉर्टिसोल है, घपाघप आपकी ब्लड में ग्लूकोस लेवल बढ़ाता है. सो ब्लड में ग्लूकोस लेवल बढ़ाने का मतलब क्या, कि वेन एवर यू आर स्ट्रेस, योर बॉडी फील्स कि कभी भागना पड़ेगा तो यू माइट नीड एनर्जी. सो फॉर दैट एनर्जी इट जस्ट इंक्रीजेज द ग्लूकोस लेवल्स, ग्लूकोस बढ़ाते जाता है. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम प्रोटीन्स, फ्रॉम फैट्स. सो ब्लड ग्लूकोस लेवल्स बढ़ाता जाता है, राइट. सो हॉर्मोनल चेंजेस जो होते हैं कॉर्टिसोल के होते हैं, कैटाकोलामीन्स के होते हैं, और इन सब चीज़ के आपके स्ट्रेस के दौरान हो सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो अबाउट स्ट्रेस. और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि और क्या चीज़ें हैं, और क्या हार्मोन है आपकी बॉडी में, आपके लाइफ में. सी, ये स्ट्रेस हार्मोन्स इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ये याद रखिए कि आपकी बॉडी में जितने भी, एक एड्रिनलिन का एग्जांपल ले लें, इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एड्रिनलिन, एड्रिनलिन इफ़ इट इज़ मोर, इट विल इंक्रीज योर हार्ट रेट, इट विल इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर एंड योर एनर्जी सप्लाई. सो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सो यू विल फील दैट धड़ 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 एंग्जाइटी. सो पीपल, कई बार पीपल, लोग आते हैं कि पता नहीं डॉक्टर साहब पाल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, मेरे को ऐसा लगता है कुछ होएगा, कुछ होएगा. नो दैट कैन बी जस्ट स्ट्रेस, दैट कैन बी जस्ट ओवर हॉर्मोनल सिक्रीशन, ज़्यादा सिक्रीशंस हो रहे हैं हॉर्मोन के, जैसे कि एड्रीनलिन, कॉर्टिसोल, राइट. और ये एड्रीनलिन जो है,
वैसे तो आपकी हेल्प करेगा डेंजरस सिचुएशंस में, जैसे अगर मान लीजिए कोई मार रहा है तो भागने के लिए आपके लिए एड्रेनलिन इज इम्पॉर्टेंट, बट देन नॉट ऑलवेज. सो दैट्स व्हाई कंटिन्यूअस स्ट्रेस इज बैड, टेम्पररी स्ट्रेसेस या इंटरमिटेंट स्ट्रेस इज गुड फॉर द बॉडी. राइट, मजा आ रहा है, हार्ट का बटन, लाइक का बटन दबाना है, शेयर करना है. ऑलराइट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट देम डाउन एंड नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. राइट, कॉर्टिसोल मैंने ऑलरेडी बताया, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स और जो इम्पॉर्टेंट काम है उनको चालू रखता है, डाइजेशन को, रिप्रोडक्शन को, बाकी सब चीज़ों को शट डाउन कर देता है आपकी. बाकी क्यों? क्योंकि इसका काम है कि आपका जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, भागना, दौड़ना, मसल्स, इनको ब्लड मिलना चाहिए, इनको सारी एनर्जी दे दो, बाकी सबको बंद कर दो. सो दैट्स वॉट कॉर्टिसोल डज, इट इंक्रीजेज द ग्लूकोज प्रोडक्शन इन योर ब्लड बट स्टॉप्स द अदर्स सिस्टम्स. राइट, और ये आपके कॉर्टिसोल को इमिजिएटली जो सिक्रीट होता है वो तो एड्रिनलिन है, एड्रिनलिन. कॉर्टिसोल को थोड़ा टाइम लगता है, क्रोनिक स्ट्रेस में ज़्यादा आता है. और जब जब आप स्ट्रेस्ड होते हो उसका जब स्ट्रेस में नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी में शुरू होता है वो परसिस्टेंट स्ट्रेस का होता है. व्हेनेवर देयर इज अ परसिस्टेंट स्ट्रेस, या दैट एड्रिनलिन एंड कॉर्टिसोल, दीज टू एंड अदर नॉर एड्रिनलिन. सो आपको क्या हो जाएगा, योर बॉडी ऑनगोइंग स्ट्रेस आपकी बेसिकली, अगर इसको रिलैक्स नहीं करोगे बॉडी को, अगर काम नहीं करोगे, ठीक से सोओगे नहीं, सो यू विल हैव हाई ब्लड प्रेशर जो अपने आप में खतरनाक बीमारी है. यू विल हैव हाई शुगर्स, यू विल हैव ओबेसिटी, यू विल हैव एड्रिनल डिसफंक्शन, गोनाडल डिसफंक्शन, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीज़ें, बाल झड़ जाना. राइट, आपके सेक्सुअल फंक्शन कम हो जाना. सो इतनी सारी चीज़ें हैं जस्ट बिकॉज आपके हॉर्मोन्स आपके बॉडी के इम्बैलेंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. सो स्ट्रेस हॉर्मोन्स आर अ बिग इशू, और आज के डेट में, टुडेज वर्ल्ड, ऑनगोइंग स्ट्रेस इज अ बिग बिग प्रॉब्लम इन बिकॉज ऑफ द यू नो इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ यू नो दिस मॉडर्न डे सोसाइटी. अ लॉट ऑफ यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर्स, पीयर प्रेशर, अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. राइट, सो आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है आपके स्ट्रेस के लिए. राइट, सो कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन, ये दो हॉर्मोन्स के बारे में आपको जानना है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्ट्रेस. और इस बात के बारे में याद रखना है कि कॉन्स्टेंट स्ट्रेस विल डेफिनेटली हार्म यू, और जो टेम्पररी स्ट्रेस होगा वो हार्म नहीं करेगा. राइट, सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस व्हिच यू वांट टू आस्क. ऑलराइट.